एंड वेलकम टू माय शो बॉबी द मैटिनी आइडल। दोस्तों अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत उसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। आज हम बातें करेंगे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट के बारे में। तो ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट में मुझे कितने सारे लोग कमेंट करते हैं कि कुछ अभी नई नई फिल्मों का रिव्यू कीजिए, जो 5 साल 10 साल पहले 15 साल पहले जो फिल्में आई उनके बारे में। तो मैं इस सेक्शन में सिर्फ उसी फिल्मों का रिव्यू करता हूँ जो 2000 के पहले रिलीज हुई थी, एक्सेप्ट कहो ना प्यारे, विच वॉज रिलीज ऑन 14 नवंबर 2000। उस वही एक थी, बाकी सभी फिल्मों जो 90s 80s 70s में रिलीज हुई उन फिल्मों का रिव्यू करते। तो आज हम बातें करेंगे ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, यानी कि 16 अप्रैल 1993, 28 ईयर्स पहले रिलीज हुई, प्रोड्यूसर बोनी कपूर और डायरेक्टर सतीश कौशिक की फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा। ये रहा 28 साल पहले पुराना टिकट गेटी गैलेक्सी का, 16 अप्रैल 1993। तो ये फिल्म जब बन रही थी तो बहुत न्यूज़ में थी, क्योंकि दिस वॉज अ वेरी वेरी कॉस्टली फिल्म इन 93, और 91-92 में शूटिंग शुरू हुई थी तो बहुत महंगी फिल्म थी उस जमाने की। 7 करोड़ में ये फिल्म बनी थी उस टाइम पे। हालांकि उसके पहले 1980 में 12 दिसंबर 1980 में जो फिल्म आई थी, प्रोड्यूसर जिप्पी सिप्पी और डायरेक्टर रमेश सिप्पी, अमिताभ बच्चन, शत्रुघ्न सिन्हा और शशि कपूर की फिल्म शान वॉज द वेरी कॉस्टली फिल्म ऑफ दैट टाइम। वो 6 करोड़ की पिक्चर थी, 1980 में आई थी 12 दिसंबर को। एंड दिस फिल्म रूप की रानी चोरों का राजा सिर्फ 1 करोड़ ज़्यादा, 7 करोड़ की पिक्चर थी 1993, यानी कि 13 ईयर्स बाद आई थी पिक्चर शान के बाद। तो 1 करोड़ ही ज़्यादा था, लेकिन फिर भी वो बहुत कॉस्टली फिल्म गिनी जाती थी, क्योंकि एकदम लेविश सेट्स और ज़बरदस्त कैमरों से पिक्चर शूट की थी। तो लोग एक फिल्म बहुत चर्चित हो गई थी। हालांकि अनिल कपूर वॉज अ वेरी बिग स्टार, श्रीदेवी जी वॉज नंबर वन एट दैट टाइम, और ये उसके म्यूजिक जो लक्ष्मीकांत पैरेलल ने दिया था वो सुपर डुपर हिट हो गया था। म्यूजिक जो अनिल कपूर का जो गाना था रोमियो नाम मेरा, और श्रीदेवी जी का जो टाइटल ट्रैक था जो रूप की रानी चोरों का राजा, और एक बाली ब्रह्मट का भी एक गाना पिक्चर के शुरुआत में आता है टाइटल में रूप की रानी चोरों का राजा, फिर एक दुश्मन है जो मेरा, वो श्रीदेवी जी का गाना, वो सब गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। लक्ष्मीकांत पैरेलल जी का म्यूजिक था तो गाने सुपर डुपर हिट हुए थे। लेकिन पिक्चर रिलीज होने में काफ़ी टाइम लग गया, कुछ प्रॉब्लम की वजह से फिल्म डिले होती गई, और फाइनली जब पिक्चर रिलीज हुई तो लोग जब फिल्म देखने गए, क्योंकि फिल्म के रिलीज के पहले उन्होंने न्यूज़ में ये दे दिया था कि इस पिक्चर में एक ट्रेन सीक्वेंस है अनिल कपूर का, जब वो ट्रेन से कुछ हीरा चोरी करते हैं, वो इतना ज़बरदस्त शूट किया है कि शोले पिक्चर के लेवल का शूट किया है, इस तरह से मीडिया में न्यूज़ आई थी। तो पीपल वो ये करे शोले के जैसा शूट किया, लेट्स गो एंड वॉच, तो पब्लिक टूट पड़ी फिल्म देखने के लिए। फर्स्ट डे सब जगह पिक्चर हाउसफुल थी, और फिल्म शुरू हुई, बाली भ्रमर का गाना गया, अनिल कपूर की एंट्री हुई, ज़बरदस्त एंट्री हुई, लोगों ने सीटियाँ तालियाँ बजाई, श्रीदेवी जी की एंट्री पे सीटियाँ तालियाँ बजाई, गाने बीने सब धमाल हो गए। लेकिन पिक्चर जैसे जैसे प्रोग्रेस हुई, जो पिक्चर का स्क्रीन पे वो स्टोरी इतना वीक था कि इंटरवल तक पहुँचते पहुँचते पिक्चर का राम नाम सत्य हो गया, पिक्चर खलास हो गया उधर, इंटरवल के पॉइंट पे ख़त्म हो गई थी, फिर कुछ था ही नहीं। जैकी श्रॉफ जी का भी छोटा सा रोल था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उन्होंने भी ठीक ठाक काम किया था, लेकिन पिक्चर में जो दम होना चाहिए वो दम नहीं था। और बाकी बहुत सारे कलाकार थे, जैसे कि अनुपम खेर, जॉनी लीवर की अच्छी कॉमेडी थी, लेकिन वो बात नहीं बन पाई जो ऑडियंस को प्रॉमिस किया था ट्रेलर के वक्त और पिक्चर रिलीज होने से पहले। तो जब धीरे धीरे प्रोग्रेस हुई फिल्म इंटरवल के बाद, तो पिक्चर मतलब ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गई थी, पब्लिक तो गालियाँ दे रही थी थिएटर के अंदर कि व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन दिस ऑन द स्क्रीन, पब्लिक को थोड़ा भी एंटरटेन नहीं कर रही थी पिक्चर, और पिक्चर बुरी तरह से डिजास्टर हो गई। हालांकि अनिल कपूर उस जमाने के बहुत बड़े स्टार थे और श्रीदेवी वॉज द नंबर वन, तो उसकी वजह से फर्स्ट 3 डेज अच्छा कलेक्शन हो गया था, लेकिन मंडे से धीरे धीरे पिक्चर के कलेक्शन ड्रॉप होते गए और फर्स्ट वीक में वो पिक्चर पूरी तरह क्रैश हो गई, एकदम धड़ाके से क्रैश हो गई, मतलब पानी तक नहीं मांगा पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पे, इतनी बुरी तरह से फ्लॉप हो गई पिक्चर। तो उस पिक्चर का नाम हिस्ट्री में आ गया था कि इतनी बड़ी फ्लॉप पिक्चर हो गई थी, क्योंकि बड़े बड़े सेट्स लगाए थे, वेरी ब्यूटीफुली शॉट्स, जो गाने थे बहुत अच्छा पिक्चराइज किए थे गाने, लेकिन उससे फिल्म नहीं चलती, वो तो एक बोनस पॉइंट हो जाता है। तो वही गलती करण जौहर लोग ने की,
फिल्म कलंक में बड़े बड़े सेट्स लगाए एंड ह्यूज सेट्स, ब्यूटीफुल पिक्चराइजेशन ऑफ द सॉन्ग्स, लेकिन उससे फिल्म नहीं चलती। जो कलंक लगी थी वो कलंक डिजास्टर हो गई थी। तो कलंक जितनी डिजास्टर हुई थी उतनी डिजास्टर रूप की रानी चोरों का राज हुई थी। तो ह्यूज सेट्स, ब्यूटीफुल एंड ब्यूटीफुल क्लोथ्स एंड सॉन्ग्स विल नॉट मेक अ मूवी, दैट जस्ट अ बोनस पॉइंट। वो बोनस में जाता है वो, पिक्चर अच्छी रहेगी तो ही चलेगी। वो गाने पे एक आध फिल्म चल गई रहेगी, जैसे आशिकी फिल्म चली थी, बाकी सब फिल्में नहीं चलती। और इतनी बड़ी बड़ी पिक्चर तो चलेगी ही नहीं कभी, उसमें तो स्टोरी स्क्रीन पे एकदम दम होना चाहिए। तो रूप की रानी चोरों का यही प्रॉब्लम हो गया था, नाम बड़े और दर्शन छोटे हुए थे। बिकॉज श्रीदेवी जी इतनी ह्यूज स्टार थी, मतलब अनिल कपूर इतने बड़े स्टार थे, श्रीदेवी तो नंबर वन ही थी। तो वो जो उनका जो प्रॉमिस किया था मिस्टर इंडिया के बाद बोनी कपूर जी ने, तो वो मैजिक इसमें नहीं चल पाया और पिक्चर ने पानी तक नहीं मांगा बॉक्स ऑफिस पे और ख़त्म हो गया पिक्चर। राम नाम सत्य हो गया था पिक्चर का। और ये पिक्चर इतनी बड़ी फ्लॉप हुई थी तो आने वाले कुछ साल तक, 10 साल तक क्या अभी भी वो पिक्चर को याद करते लोग, जो बड़े जो फिल्म मेकर है वो भी अभी भी याद करते रूप की रानी चोर कर रहा है। वॉज अ वेरी बिग डिजास्टर। तो ये तो मैंने अपनी आंखों देखा हाल देखा था कि किस तरह से जो ब्लैकर लोग थे जो टिकट ब्लैक करते थे और उनकी सब टिकटें सड़ गई थी। नो पीपल आर नॉट बाइंग टिकट, वो पिक्चर हाउसफुल हो गई थी लेकिन नो बडी वॉज बाइंग, सब टिकट फाड़ दी थी लोग ने, कुछ टिकट जला दी थी, पीपल आर नॉट बाइंग, इतनी बड़ी फ्लॉप हो गई थी पिक्चर। इंस्पायर्ड ऑफ ह्यूज स्टार्स एंड ग्रेट म्यूजिक द फिल्म डिडंट वर्क एट द बॉक्स ऑफिस। सो दीज आर माई व्यूज, माई ओपिनियंस अबाउट रूप की रानी चोरों का राजा। हालांकि 1961 में देवानंद जी की वेदरमन जी की फिल्म आई थी रूप की रानी चोरों का राजा, डेट वॉज अ सुपर हिट फिल्म। लेकिन 1993 16 अप्रैल को आई, प्रोड्यूसर बोनी कपूर, डायरेक्टर सतीश कौशिक, अनिल कपूर, श्रीदेवी जी, स्टारर रूप की रानी चोरों का राजा वॉज अ एपिक डिजास्टर एट दैट टाइम। सो गाइज, इफ नॉट सब्सक्राइब माई चैनल प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन दिस बॉय बाय सेइंग गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।